चिपकाया, बैंकों के पास गए, नेटवर्क जमाया, रातों रात 1 करोड़ 1.25 करोड़ का बंदोबस्त किया एंड 3 महीने का टाइम लिया सबसे. एंड देन व्हाट डू यू डू, बॉम्बे में प्रॉब्लम, पुणे में देयर इज प्रॉब्लम. सडनली नासिक एक दुकान खोला हमने. एक दुकान खोलने के लिए कोल्ड चेन में इट्स वेरी चैलेंजिंग थिंग, कॉस्ट परवड़ता नहीं है. एंड देन आई कॉल इट शिवास जुगाड़, माई कलीग्स, वी कीप ऑन टॉकिंग एक्सचेंज इन द नोट्स. तो हमने देखा इन्वेस्टर नहीं है, पैसा चाहिए. सेकेंड वॉट यू वॉन्टेड वॉज फ्रेंचाइजीज, कौन लेके आएगा, सब एम्प्लॉय भाग गए. तीसरा आदमी कौन देखेगा, क्लस्टर मैनेजर चाहिए, क्या रे की रिजल्ट एरिया, सब एमबीए हमको सिखाते हैं ना की रिजल्ट एरिया, वो सब पेजों में था. मैं बोला इन्वेस्टर भी हमारा मास्टर फ्रेंचाइजी बनेगा, फ्रेंचाइजी भी वो मास्टर फ्रेंचाइजी ले आएगा, क्लस्टर मैनेजर का जो KRA लिखा था ना, और उसको 50,000 का तनखा वो काट दिया, अनेक्स्चर पेज 5 फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट में लगा दिया. मास्टर फ्रेंचाइजी बिकेम द इन्वेस्टर, 25 लाख उससे ले लिया, नासिक शुरुआत हो गई. उसने 3 महीने में 350 इंक्वायरी आया ऑन द नेट, 3 महीने में 15 दुकान लग गया. नासिक स्टार्टेड रॉकिंग, दुनिया में से ऐसा रिकॉर्ड आया, फ्रेंचाइजी 4,000 वड़ा पाव बेच रहा है, रस्सी लगा के लोगों को पीछे कर रहा है. नासिक गिव ह्यूज नंबर्स. औरंगाबाद हैपेंड, सडनली औरंगाबाद में 12 दुकान, एक फ्रेंचाइजी 1 लाख रुपया बना रहा था वड़ा पाव बेच के पर मंथ. सडनली द सेकंड फ्रेंचाइजी स्टार्टेड, थर्ड फ्रेंचाइजी स्टार्टेड. दुलिया, पिंपलगांव, लासलगांव, नांदेड़ आ गया है, जलना आ गया है, एंड गोलिया स्टार्टेड अगेन रनिंग. सो एंटरप्रेनर नेवर डाइज, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. टुडे वी हैव 70 स्टोर्स अदर देन मुंबई, नासिक, दुलिया, औरंगाबाद, जलगांव, पिंपलगांव, नांदेड़ खुल रहा है, बैंगलोर आ गया है, नांदेड़ को देख के अभी हैदराबाद आ रहा है, चेन्नई आ गया है, एंड वी आर फाइटिंग ए न्यू स्टोरी. इट्स अ फ्रेंचाइजी मॉडल, और जो भी चीज करेगा हम सिर्फ ब्रांड देंगे और सामान देंगे, बाकी जो भी करेगा फ्रेंचाइजी कर लेगा. दैट्स इट. ये जो वेंकटेश ने अपने शब्दों में बात की, इन्होंने जुगाड़, जो हम जुगाड़ बोलते हैं, एक्चुअली अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग. This is called, you know, in boardrooms they say that we have done something great. We have, you know, thought of some strategies and things like that. लेकिन Indian entrepreneurs वो strategies को जुगाड़ कह के चला लेता है, और जब वो बहुत बड़ा successful हो जाता है तो लोग उसको जुगाड़ को फिर strategy कहने लगते हैं. सो सिर्फ नाम चेंज होते हैं, बट एक entrepreneur की जो struggle है वो struggle हमेशा जारी रहती है, और धीरे धीरे entrepreneur को भी अपने word समझ आने लगता है कि entrepreneurship एक word होता है, एक स्ट्रैटेजी एक वर्ड होता है, फिर वो MIS, एंड यू नो यू लर्न अ लॉट, ऑल इंग्लिश वर्ड.